हे गाइस, कैसे आप लोग सब? आज अब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नॉइस कलर फिट कैलिबर। इसकी स्क्रीन पे आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं उसका सारा डिटेल्स इस वीडियो में होने वाला है। इसकी पहले करेंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद में आपको स्क्रीन पे कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं उसके बाद करेंगे इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है। नॉइस कलर फिट कैलिबर में अवेलेबल हो जाते हैं आपको 150 प्लस वॉच फेस एंड इसके अतिरिक्त आपको मिल जाते हैं 40 स्पॉट मोड्स। इसकी डिस्प्ले आती है 1.69 के साथ। ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए करते इसकी अनबॉक्सिंग और करते वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड, नॉइस कलर फिट कैलिबर गो की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, जो आती है 1.69 एचडी डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे आपको इसका बिल स्लिप प्रोवाइड होता है 1299 रुपए। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन आता है 240x280 पिक्सल के साथ, 500 निट्स एंड 218 ppi नॉइस हेल्थ सूट। इसमें आपको ब्लड ऑक्सीजन एंड 24x7 हार्ट रेट ट्रैकिंग, एक्टिविटी ट्रैकर, स्लिप ट्रैकर, स्टेट मॉनिटर एंड फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग प्रोवाइड होता है। और इन द बॉक्स आपको यहाँ मिलता है यूजर मैनुअल और यहाँ मिलता है आपको वारंटी कार्ड एंड यहाँ मिल जाता है आपको एक स्टिकर। और गाइस, निकालते हैं बॉक्स से बाहर अपनी स्मार्ट वॉच को और देखिए गाइस, कलर फिट कैलिबर गो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर लेते हैं तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही शानदार इसमें प्रोवाइड हो जाती है। एंड यहाँ पे मिलता है आपको चार्जिंग केबल जो फुली मैग्नेट के साथ आपको प्रोवाइड होता है, किसी भी अडेप्टर का आप इसमें यूज कर सकते हैं चार्जिंग के साथ। एंड करते हैं स्टिकर को रिमूव और देखिए गाइज, इस वॉच के बैक फ्रंट में आपको यहाँ मिलता है चार्जिंग स्पेस एंड यहाँ मिलता है नॉइस का बेजिंग और यहाँ कुछ आपको मिलते हैं सेंसर। यहाँ पर मिलता है आपको कलर फिट कैलिबर गो का बेजिंग। वॉच के साइड में मिलता है आपको एक बटन नॉइस लोगो के साथ। बात कर लेते हैं स्ट्रेप क्वालिटी की, तो स्ट्रेप क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। स्ट्रेप क्वालिटी आपको ब्रांडेड मिल जाती है, कहने का मतलब आपको इतने कम प्राइस में नॉइस बेजिंग के साथ आपको यहाँ स्ट्रेप क्वालिटी प्रोवाइड हो जाती है। करते बटन को लॉन्ग प्रेस और करते अपने स्मार्ट वॉच को ऑन और फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है और अपने पास वो वाला QR कोड आ गया है जिसको करना अपने फोन से स्कैन और वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसके साथ अपनी वॉच कनेक्ट हो सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, आ गए अपने फोन के डिस्प्ले पे और आपको यहाँ बताएंगे कि आपको कौन कौन से वॉच स्पेस मिलते हैं और आप अपनी खुद की फोटो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी नॉइस फिट जो ऐप है, इस वॉच के QR कोड को जब स्कैन करते हैं अपने स्कैनर से तो ये वाली एप्लीकेशन आपको सामने आती है प्ले स्टोर में और वहाँ से आपको करना होता है इसको डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का लोगो कुछ आपके सामने आता है और करेंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ओपन होने के बाद में आपको करना क्या है, माई डिवाइस पर क्लिक करना है। माई डिवाइस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ मिलता है वॉच फेस। वॉच फेस पे क्लिक करेंगे और वॉच फेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वॉच फेस अवेलेबल हो जाते हैं। और ये हो गया न्यू एड। न्यू एड में आपको कुछ इस प्रकार मिलते हैं और चलते हैं बैक और यहाँ से यहाँ आपको टॉप डाउनलोडेड में यहाँ कुछ इस तरह से आपको ये वाले प्रोवाइड हो जाते हैं। और कुछ डिवाइड कर रखा है इसमें डिज़ाइन वाइज, या फिर ये हो गया स्पॉट टाइप हो गया, इनमें आप सबको व्यू कर सकते हैं ऐसे कुछ करके। इस प्रकार टैप करके आप सबको व्यूज कर सकते हैं और अपनी स्मार्ट वॉच में अप्लाई कर सकेंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ इन वॉच फेस को आप अपनी स्मार्ट वॉच में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलते हैं और गाइज, आप देख सकते हैं ये सभी में आप डिज़ाइन वाइज मैंने किया, तो न्यू ईयर पे है, नेशनल फ्लैग है, नेचर है, या ये क्रिसमस है, जो भी है आप इसके सामने जो व्यू आल है उस पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटिव आपके सामने वॉच फेस ओपन हो जाएंगे। तो सपोज अपन करते हैं टेक्निकल, टेक्निकल पे व्यू ऑल करते हैं और यहाँ से एक वॉच फेस आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं ये वाला वॉच फेस अपनी वॉच में चाहता हूँ तो मैं इस पर करूँगा टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, अपडेट वॉच फेस पे क्लिक करना है। अपडेट वॉच फेस में भी क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है अपनी वॉच में, ये 100% होते ही अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो परसेंटेज चालू है और फाइनली अपनी वॉच में ये वाला वॉलपेपर, ये वाला वॉच फेस अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं रात के 10:30 बज रहे हैं, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आप अपनी खुद की फ़ोटो कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ बैक, यहाँ से भी बैक जाते हैं, यहाँ से भी बैक जाते हैं और आपके सामने तो मैं पूरा ही बैक जाता हूँ। नॉइस फिट को ओपन करेंगे और अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। माई डिवाइस को क्लिक करेंगे, वहाँ पर पहले की तरह वॉच फेस को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम वॉच फेस। कस्टम वॉच फेस को आप क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ कैमरा और गैलरी, आप कैमरे से फोटो क्लिक करके भी अपनी फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं और गैलरी से भी आप अपनी फ़ोटो उठा सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ओपन करूँगा और कुछ इस तरह से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये वाली फ़ोटो इसमें करूँगा अप्लाई, तो मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं डन का एरो, इसको आप करोगे टैप और टैप करने के बाद में आपके पास आएंगे कलर ऑप्शन। यहाँ से आप अपने टाइम का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ब्लू।
और कुछ इस तरह से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। यह साइड हो गया, ये नीचे हो गया, तो मैं चाहूंगा इसको नीचे और इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। ये वाला वॉच फेस अपनी वॉच में चाहिए, तो मैं करता हूँ इसको अपडेट वॉच फेस। अपडेट वॉच फेस पे आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है और अपनी वॉच में परसेंटेज चालू हो चुका है और कुछ ही सेकेंड्स में अपना वॉच फेस अपनी स्मार्ट वॉच में अप्लाई हो जाएगा। और फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी खुद की फोटो अप्लाई कर ली है। ऐसे आप अपने फ़ोन से किसी भी फोटो को आप अपनी स्मार्ट वॉच में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपनी वॉच की स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फीचर्स के बात करने वाले हैं वाटरप्रूफ टेस्टिंग, और वाटरप्रूफ टेस्टिंग में पूरी वॉच को अपन पानी से भिगा देंगे और देखते हैं अपनी वॉच खराब होती है या फिर नहीं। तो फाइनल फ्रेंड्स, आ गए अपनी वॉच की स्क्रीन पे और यहाँ देखते हैं आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं। करते हैं राइट स्लाइड और आपको मिलता है यहाँ पे एक्टिविटीज़, और यहाँ मिलता है आपको हार्ट रेट, आगे आता है स्ट्रेस और आगे आता है ब्रीथ। नेक्स्ट आता है आपके पास म्यूजिक, यहाँ से आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ मिल जाता है आपको वापस अपना फोन पेज। होम पेज पे करते हैं डाउन स्लाइड, और डाउन स्लाइड में आपको यहाँ कुछ शॉर्ट कीज़ प्रोवाइड होती है। शॉर्ट कीज़ में आपका यहाँ बैटरी सेव हो गया, यहाँ आपको ब्राइटनेस हो गया, ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और चलते हैं बैक, और यहाँ आपको टॉर्च प्रोवाइड हो जाती है। मैं टैप करूँगा, टॉर्च आपकी ऑन हो जाएगी। इस प्रकार आप अपनी टॉर्च ऑन कर सकते हैं और बैक चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास सर्च डिवाइस का, जैसे कि मैं इसको टैप करूँगा तो इस तरह से आपके फ़ोन को यह सर्च करेगा, पता चल जाएगा आपका फ़ोन कहाँ रखा है। चलते हैं बैक, आगे आता आपके पास स्लीप एंड डीप मोड, यहाँ से DND आप ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता सेटिंग, सेटिंग्स को करते हैं ओपन, और यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं। चलते हैं बैक, यहाँ से करते हैं अपस्लाइड, अपस्लाइड में आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन, और करते हैं बटन को टैप और देखते हैं आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन यहाँ प्रोवाइड हो जाती है। नॉइस हेल्थ, नॉइस हेल्थ को करते हैं ओपन, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़, स्लीप एंड डीप मोड, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट मॉनिटर और स्ट्रेस और ब्रीथ। चलते हैं बैक, और यहाँ मिलता है आपको क्लॉक, क्लॉक में आपको प्रोवाइड होता है अलार्म, स्टॉप वॉच, वर्ड क्लॉक और टाइमर। और वर्कआउट में आपको यहाँ पे मिलता है आपको 40 स्मार्ट मोड, जिस तरह से आपको स्मार्ट मोड आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। चलते हैं बैक, नेक्स्ट आता है स्पॉट रिकॉर्ड, और नेक्स्ट आता आपके पास वेदर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मिलता आपको म्यूज़िक, आप अपने फ़ोन का म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता रिमाइंडर, यहाँ आप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता फ्लैश लाइट, यहाँ से आप अपनी टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता वॉच फेस, कुछ इस तरह से आपको वॉच फेस यहाँ प्रोवाइड होते हैं और इनमें से आप इनको यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेटिंग, सेटिंग्स को करते हैं ओपन, यहाँ पे आपको आता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वाइब्रेशन, यहाँ पे आपको 3 स्टेप वाइब्रेशन की मिलती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड पे आपको हार्ड प्रोवाइड होगा और फर्स्ट पे आपको नॉर्मल वाइब्रेशन प्रोवाइड होगा। चलते हैं यहाँ से बैक, और नेक्स्ट आता आपके पास रिस्ट वेक, इसमें आप ऑटो स्क्रीन ऑफ का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं बैक, और आगे आता आपके पास डिवाइस इन्फॉर्मेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन आपके पास ये वर्जन, कुछ इस तरह से आपकी वॉच का नेम या कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट आता है DND, डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन और आपके पास कॉल का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास आता है QR कोड, ये वही QR कोड है जिसको आप अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन करने पे आपके सामने वो वाली एप्लीकेशन आ जाती है जिससे आप अपने फ़ोन को अपनी स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर सके। चलते हैं यहाँ से बैक, यहाँ आप अपनी स्मार्ट वॉच को रिबूट कर सकते हैं, यहाँ पावर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट आता रीसेट। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको ये वाले सारे फीचर्स आपको इस नॉइस कलर फिट कैलिबर गो में अवेलेबल हो जाते हैं। और फाइनली करते हैं इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग, और वाटरप्रूफ टेस्टिंग में क्या अपनी वॉच खरी उतरती है या फिर ख़राब हो जाती है। फाइनली कर लेते हैं इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग, और मैं इसके ऊपर गिरा रहा हूँ पानी, और आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर पानी गिरा रहा हूँ, और अपनी स्मार्ट वॉच पीछे भी गिरा लेते हैं, आगे भी गिरा लेते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरी पानी में भिगो दी है, क्या ये वर्किंग करती है या फिर ख़राब हो जाती है ये देखते हैं इसको बाद में यूज़ करके। और इस तरह से आपको ये प्रोवाइड हो जाती है, बहुत हो गया, अब इसको करते हैं यूज़। तो फाइनली फ्रेंड्स, अपनी वॉच पूरी पानी में भीग चुकी है और इसको करते हैं यूज़, प्रॉपर ये वर्क करती है या फिर नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बराबर काम कर रही है, कोई हैंगिंग वेंगिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं है, और आपके सामने देख सकते हैं आप कितनी
बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रही है और ये वाटरप्रूफ टेस्टिंग इसकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वॉच के सारे फीचर्स आपने देख लिए हैं, इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग अपन ने कर ली है, इसके सारे वॉच पेज और आप अपनी खुद की फोटो इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग इतने कम पैसों में 1299 रुपए में इतनी अल्टीमेट वॉच आपको प्रोवाइड हो रही है। इसमें आपको एक फीचर्स की कमी महसूस होगी और वो है कॉल फंक्शन फीचर। जी हाँ गाइस, इस वॉच में आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं, आपके पास अगर कॉल आ रहा है तो इसमें आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, उस कॉल को आप कट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं साइलेंट। इस वॉच का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड टेक्निकल वीडियोस के साथ बने रहिए मिस्टर हैकर टेक टीम के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।